जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अब राजनीति में भगवान को भी कोई नहीं छोड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना में हैं, जहां उन्होंने सिकंदराबाद में मां काली की पूजा की है। उधर ममता बनर्जी के एक विधायक ने सारी हदें पार कर भगवान राम के ऊपर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। इतना ही नहीं, दीदी के इस विधायक ने पीएम का भी अपमान किया और पीएम के अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने पर सवाल उठाया है। मतलब एक तरफ मोदी का भक्ति पथ है तो दूसरी तरफ इंडिया के विधायक का राम मंदिर विरोध है। टीएमसी विधायक ने लेकिन एक विवादित बयान दिया है। टीएमसी विधायक रामेंदु ने राम मंदिर को अपवित्र जगह बता दिया। पूरा बयान क्या था सुनिए। लोग ब्राह्मण छाड़ा पूजो है আর ইমাম ছাড়া নামাজ হয় না, তা আমাদের রাম মন্দির তৈরি হল। আমাদের হিন্দু ধর্মে চারজন শঙ্করাচার্য আছে, চারজন শঙ্করাচার্য বলল যে সম্পূর্ণ মন্দির নয়, এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, দিয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কিন্তু মানল না, চার শঙ্করাচার্য গেল না লোক, তাহলে ব্রাহ্মণ ছাড়া পুজো হয় না আর ইমাম ছাড়া নামাজ হয় না, তা আমাদের রাম মন্দির তৈরি হল। আমাদের হিন্দু ধর্মে চারজন শঙ্করাচার্য আছে, চারজন শঙ্করাচার্য বলল যে সম্পূর্ণ মন্দির নয়, এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, দিয়ে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কিন্তু মানলো না, চার শঙ্করাচার্য গেল না, অসমাপ্ত মন্দিরে বিগ্রহ বসবে না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী গেল, নরেন্দ্র মোদী গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পূজো অর্চনা করল। তা আমি প্রশ্ন করছি, নরেন্দ্র মোদী কোথাকার ব্রাহ্মণ বলতে পারবেন? পৈতৃটা কে দিয়েছিল, কবে পৈতে হয়েছিল বলতে পারবেন? তাহলে দেখুন হিন্দু ধর্মকে কত নোংরা জায়গায় নিয়ে গেল। এই যে বাবা তারকনাথের এখানে যে যদি কোনো ভণ্ড একটা পৈতে, এজন্য আমি আমার পৈতে আছে যদিও রাজপুত বলে ক্ষত্রিয় বলে, কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। তা আমি যদি পৈতেটাকে যদি ব্ল্যাকমেলিং করি, আমি যদি পৈতেটা দেখি বলি ব্রাহ্মণ, আর যাত্রী ধরে নিয়ে যে বাবার মন্দিরে দেয়ালে ঠেকিয়ে পুজোটা দিয়ে কি বললুম শুনতে পেল না, সে দেওয়ার পর বললুম 5,000 দিয়ে দাও। আর এরা কি করলো, মূর্তি বসার আগেই হলদে চাল হলুদ মাখিয়ে নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যে বলছে 500 টাকা দাও, এটা রামের প্রসাদ। কত বড় ভণ্ড দেখুন, কত বড় ধাপ্পা দিল দেখুন, কত বড় হিন্দু ধর্মকে নিচে নাপিয়ে নিয়ে এলো দেখুন। আমি একজন হিন্দু ধর্মের মানুষ, তাই এই জায়গাটা আমাদের সমস্ত মানুষকে গর্জে উঠতে হবে, একতাবদ্ধ হতে হবে। আপনার বাড়ির পাশে যদি কেউ একটা শিবলিঙ্গ বসিয়ে সে যদি ব্রাহ্মণ না হয়, সে যদি পুজো করে শিবরাত্রির দিন, আপনারা কি তার কাছে পুজো দিতে যাবেন? इस बीच ए राजा के बयान पर भी बीजेपी ने हमला बोला है। सनातन का अपमान विपक्ष का एजेंडा है, कहा रविशंकर प्रसाद ने। विपक्ष के नेता सनातन विरोधी हैं, ये कहा उन्होंने। भारत की आस्था का अपमान किया गया ए राजा के बयान द्वारा। क्या कांग्रेस नेताओं का मंदिर जाना दिखावा है, ये सवाल भी पूछा रविशंकर प्रसाद ने। ए राजा ने कहा था राम हमारे दुश्मन है। क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने, तो वहां जाकर के तो महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में। ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था संस्कार संस्कृति सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को
इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें। कुछ देर में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस छोटे कैबिनेट विस्तार से लोकसभा चुनाव में बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि ये सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यानी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भी 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की जाएगी। अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। थोड़ी देर बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। आज 4 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, आरएलडी से अनिल कुमार मंत्री बनेंगे और बीजेपी से सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया जाएगा। ये 4 नाम हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा अहम मंत्रिमंडल विस्तार है, क्योंकि ये ठीक लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले किया जा रहा है। यानी इसके जरिए आरएलडी जो शामिल हुई है एनडीए में, उनको भी शामिल करने की कोशिश है और कई अहम मुद्दों को साधने की कोशिश है। ओपी राजभर से बात की है TV9 भारतवर्ष रोविंग एडिटर पंकज झा ने, क्या कहा उन्होंने सुनिए। और जिनके एक नाम को तय माना जा रहा है, मतलब 100%, तो वो और कोई नहीं, यूपी की राजनीति के पियर का चाचा यानी ओम प्रकाश राजभर जी। अब खुश हो रहे हैं? नहीं, आपने पियर का चाचा का इस पे खुश हो रहे हैं? खुश तो और भी वजहों से होंगे आज आप? नहीं, हम तो हमेशा खुश रहते हैं, आप चाहे जब भी मिले हों, हम हमेशा खुश रहते हैं। नहीं, आपने कहा था कि आचार संहिता लगने से पहले ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनना है और ये हो रहा है। तो हम सच्चाई बोलते हैं, सच बोलते हैं, और रिजल्ट आपके सामने रहता है। चाहे विपक्षी एकता पर मैंने कहा कि कुछ लोग जो गोल तो बनी है, लेकिन कुछ लोग सट के 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ लोग हट करके, तो सट भी गए और हट भी गए। चाहे ममता जी को देख लीजिए, चाहे पंजाब मान जी को देख लीजिए, तमाम लोग, कुछ लोग सट हट के, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। 5 साल के बाद मंत्रिमंडल में आपकी वापसी हो रही है ऑलमोस्ट, तो तब और आज कोई प्राथमिकताएँ भी आपने तय की होंगी? देखिए, हमारी हमेशा प्राथमिकता रहती है कि गरीब, कमजोर, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जो हैं, आदिवासी हैं, उनको जागृत करना। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, उनके लिए अधिकार दिया है, उसके लिए उनको जागृत करना। वो अच्छी शिक्षा हासिल करें, समाज में अच्छा जीवन जिए, रोजगार अच्छा उनको मिले, नौकरी मिले, स्वास्थ्य बढ़िया, अगर कोई दिक्कत हो तो अच्छी स्वास्थ्य। ये सब बता रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि कोई आपको विभाग आपके मन में है क्या, कि स्वास्थ्य शिक्षा आप जो बात कर रहे हैं, ऐसा कोई आपने सेट कर रखा है क्या? नहीं नहीं, ये तो बात मैं सब बराबर, मैं कई साल से बोलता हूँ कि भाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो जाए तो एक रूपता आ जाए, गरीबों का इलाज दुनिया के तमाम देशों में फ्री है, भारत में भी फ्री हो। मैं तो विभाग की बात कर रहा था राजभर। मैं भी तो विभाग की बात कर रहा हूँ। कुछ जब आपको ये संदेश आया तो विभाग का भी कोई मैसेज आया? नहीं, कोई मैसेज नहीं। अभी तो मेरे यहाँ सच ये है कि मेरे यहाँ अभी राजभवन से फोन ही नहीं आया है। अच्छा। और जो चीज़ें खबरें मिल रही हैं, वो खबरें जो आपने बताया कि एक कटु सत्य है कि 5 बजे विस्तार होने की प्रबल संभावना है। आपको एक सीट मिली है गठबंधन में, बात वहीं तक रहेगी या आगे जाएगी? MLC को लेकर भी कुछ बात है? नहीं, एक लोकसभा की बात फाइनल हो गई है, एक MLC की भी बात फाइनल हो गई है, कुछ आयोग की भी बात फाइनल है। अच्छा। कई चीज़ें हम, जैसे कि आप लोगों की दूरदृष्टि होती है, तो हमने भी सोचा है कि यूपी के निचला सदन और ऊपरी सदन, बीच की कुछ सदन पूरा रोड मैप तैयार है, तैयार करके वहां से फाइनल करा के तब आए हैं। ओपी राजभर से आपने पंकज झा की बातचीत सुनी, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज। पंकज, जो 4 नाम जिनकी चर्चा हो रही है, ओपी राजभर से तो आपने बात की ही है, लेकिन दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार आरएलडी से और सुनील शर्मा, जिनके नाम की चर्चा है कि वो शपथ ले सकते हैं आज, एक एक कर अगर आप बताएं कि यही 4 क्यों? आरएलडी के एक शामिल किया जाना था, उन्हें मंत्री बनाना था, ये एक अहम वजह है, लेकिन बाकी जो नाम है, ओपी राजभर को उन्हें एक सीट देनी थी वो दी जा रही है, लेकिन ये अहम है विस्तार अपने आप में, क्या क्या साध लेंगे इसके जरिए? देखिए, एनडीए में जो 2 नए लोग आए, एक तो ओम प्रकाश राजभर जो पिछले साल जुलाई महीने में आए, पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, तो उनका तो नाम तय था,
तो उनको चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उनको मंत्रिमंडल विस्तार में लिया जा रहा है। आरएलडी भी नई एंट्री हुई है, एनडीए के नए सहयोगी दल बने हैं, बीजेपी के जयंत चौधरी। उनकी डिमांड थी कि उनको एक कैबिनेट मंत्री, एक राजमंत्री मिले, लेकिन राजमंत्री वाली बात हो नहीं पाई। कैबिनेट मंत्री के तौर पर अनिल कुमार, जो कि मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक हैं, तीसरी बार एससी बिरादरी से हैं, उनको मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। दारा सिंह चौहान का कमिटमेंट भी पुराना था, समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी आए थे, हालांकि विधानसभा का उपचुनाव हार गए, इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और अब कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। चौथा नाम थोड़ा चौंकाने वाला है और हम लोगों के बीच में चर्चा में नहीं था, वो सुनील शर्मा हैं, गाज़ियाबाद के शहाबाबाद के रहने वाले हैं, वहीं से विधायक चुने गए हैं। 2 लाख से भी अधिक वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। ब्राह्मण समाज से आते हैं, पश्चिम से, तो 2 पूर्व से 2 पश्चिम से, 3 2 OBC, 1 सवर्ण जाति के और 1 SC बिरादरी के। तो पूरा आप कह सकते हैं ना कि सोशल रेनबो की तरह है ये जो नया और छोटा मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है योगी सरकार का। तो इन 4 चेहरों के बहाने अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है एनडीए की तरफ से। जी हाँ, तो नए सहयोगियों को भी साध लिया है और सामाजिक समीकरण भी इसके जरिए साध लिए हैं। छोटा विस्तार है लेकिन अहम है। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली एनसीआर की तरह यूपी में अब बनेगा एससीआर। यूपी कैबिनेट की बैठक में एससीआर का प्रस्ताव पास किया गया है। लखनऊ के आसपास के जिलों को मिलाकर बनेगा ये एससीआर। लखनऊ समेत 6 जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा। ये अहम फैसला जो यूपी कैबिनेट की बैठक में लिया गया, ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। ये एनसीआर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, यानी लखनऊ के आसपास के 6 जिलों को शामिल किया जाएगा इसमें और ये एससीआर रीजन बनाया जाएगा। ये जो एससीआर बनाया जाएगा लखनऊ के आसपास के जिलों को शामिल कर, दरअसल ये दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसे एससीआर कहा जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन, यानी स्टेट एससीआर बनाया जाएगा, राज्य राजधानी क्षेत्र इसे कह सकते हैं आप। लखनऊ के आसपास के 6 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। लखनऊ और आसपास के जो ज़िले हैं उनको चुना गया है इसमें शामिल होने के लिए। एससीआर में कुल 6 जिले शामिल किए जा रहे हैं। एससीआर में लखनऊ, हरदोई और सीतापुर शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को भी शामिल किया जाएगा। एससीआर को विकसित करने का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट में पास कर दिया गया है।